प्याज का मजा तो तभी आता है खाने जब उसे मट मार के खाया जाए। So, वीडियो स्टार्ट होने से पहले भाई का गाना सुने और गाना सुने सुने यार सुने। नीचे लिंक दे रहा हूँ सुनना प्लीज प्लीज प्लीज। कौन सा So, hello guys. Welcome back to our channel. कैसे आप सब? I hope सब अच्छे। तो आज हम फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ आए हैं। To the most talented YouTuber, हर्ष बेनीवाल। नहीं bro, it's Bhuvan Bam. वो भी है। वो भी है। सब talented है भाई हमें छोड़ के। खुद का roast खुद ही। Self roast करते हैं हम। So, let's get new video आई है। चलो चल के। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका ढिंडोरा से कोई लेना देना नहीं है। ढिंडोरा एक अलग सीरीज थी और ये अलग एपिसोड है। दोनों को मिक्स ना करें और ये ना बोलें कि अरे ढिंडोरा में तो ये हुआ था, ढिंडोरा में वो हुआ था, अरे वो किधर है, अरे मार्क वो था, तेजा इधर है। पोस्टर देखा तुमने? पीछे ये सब क्या है बेटा? मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि ऊपर इसके घर आने की जरूरत नहीं होगी। नीचे आई ओनली गो डाउन व्हेन द वुमन इज क्लीन। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाय लेंगे? सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ काम के लिए निकले बेटा, हाय क्यों लेंगे? चाय पूछ रहा है। अरे हाँ, इसकी तो जुबान में ही छेद है। हाय लेंगे? ले लूंगा। तो बना लो। अंदर रफोई में हलनी रखी है। हाय पत्ती और हीनी। नहीं पीनी, होड़ छोड़। इतनी फुवा फुवा मेरी नींद खराब कर दी, बहुत जरूरी काम होगा अंकल। नहीं भाई, पापा बहुत टाइम से पैसे जमा कर रहे हैं। कौन से सिग्नल पे? सिग्नल मैं सेविंग्स कर रहे हैं अपने बैंक में। ओ अंकल, कभी विनजो ट्राई नहीं किया? विनजो? हाँ, इस पे आप अपने मनपसंद गेम खेल सकते हो, जैसे अपनी बेटी की शादी में की जमा कर रहे हो, फिर डाउनलोड कर, 50 रुपीज भी मिलेंगे। अच्छा अच्छा कर लियो। तो अंकल आप पैसे क्यों जमा कर रहे हो? एक आदमी सारी जिंदगी पैसे क्यों जमा करता है? ताकि अपनी बेटी की शादी में दहेज दे पाए। ना ना ना, लड़के का बाप। शादी करान? तू शादी कर रहा है? पागल वागल तो नहीं हो गया, अभी खेलने की उम्र है। उसको छोड़ बेटा, तू अब शादी कर ले। नहीं नहीं अंकल, वो तो दही गिरा हुआ है पैंट पे। भाई क्या कर रहे हैं यार? अब मैं पिछले हफ्ते अपनी हस्तरेखा दिखाने गया था, उसने मेरा हाथ देखकर कहा कि घर में कोई बड़ी और लंबी चीज आने वाली है। अरे तूने मंगवा ले डिल्डो? डिल्डो डिल्डो सुना है क्या होता है? फैया कभी मिल तो सही, तू ना आया तो डिल्डो सही। अरे वाह, पर होता क्या है? हम टेंशन लेते हैं। हाँ ये भी लेना होता है। अरे वाह। हाँ आगे का बताओ ना, क्या बोला वो? हाँ। अरे वाह, हम टेंशन लेते हैं, ये भी ले लो। अरे वाह, अरे वाह, तू कहीं का कहीं लेना होता है। अरे पर होता क्या है? हम टेंशन लेते हैं। हाँ ये भी लेना होता है। अरे वाह, है क्या? हाँ आगे का बताओ ना, क्या बोला वो? हाँ, तू कहीं का कहीं पहुंचा देता है। ये भी? अच्छा होता क्या? अरे आप आगे का बोलो ना। सुन सुन सुन, तो उसने बोला कि उस बड़ी और लंबी चीज के आ जाने के बाद हम ज्यादातर घर के बाहर ही रहेंगे। इसका मतलब घर में पहली बार गाड़ी आने वाली है, हमारी अपनी गाड़ी। तो ले आओ, तू पिएगा। पापा आपने कभी सोचा था हम गाड़ी लेंगे? बेटा हमारी जिंदगी के रास्ते इतने कच्चे हैं कि उस पे गाड़ी गियर से नहीं हालातों के हिसाब से चलती है। आज तक की सारी मेहनत घर में घी चावल रोटी पानी अन्न लाने में चली गई, अब गाड़ी आती दिख रही है। टियर बाइसेप वेरी डीप महेश्वरी। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सोचा कौन सी कार लेंगे तू बता। बेंटले। बैठ लेते हैं बेटा, कुर्सी ले। बेंटले बेंटले ब्रांड है गाड़ी का। अच्छा किया? हाँ अभी 1 घंटे पहले 2 बार। आंटी को कौन सी पसंद है? उनको तो कुछ भी चलेगा। हाँ दिख रहा है। जब से गाड़ी लेने का प्लान बना है मम्मी एकदम बगीचे जैसी स्क्रिप्ट है यार, खिलाती हुई हरी भरी। हाँ माली भी तो 2-3 बार पानी डालते ही होंगे। कभी मम्मी के साथ फिल्म देखने का प्लान हुआ तो अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं ना। फिल्में देखने का शौक अब कहाँ है बेटा। हाँ वैसे भी आजकल की फिल्मों में स्टोरी लाइन से ज्यादा जॉ लाइन की इज्जत है, पर वैसे कितना सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, ऑफिस आना जाना दोस्तों के घर जाना। चलानी सीखनी पड़ेगी पहले। आसान है? अरे सीखनी पड़ेगी, एक बार चलाई तो है आपने पहले? वो तो ऐसे ही सब पता है आपको। अच्छा ये बताओ क्लच और एक्सेलेटर के बीच में क्या होगा? मेरी टांग। सीखनी पड़ेगी। अच्छा ये तो बताओ ऑटोमेटिकली नहीं है मैनुअल? गियर ना हो तो आसान रहेगा। कैसे मन की बातें जान जाते हो आप।
और वैसे भी मैनुअल चलाते टाइम जानकी मेरा हाथ नहीं पकड़ पाई थी, गियर बीच में आएगा तो पैंट पहन के ड्राइव करना। कुछ मतलब होता है तेरी बातों का? कैसी बातें कर रहा है, नींद में है क्या? बोपड़ी के कार्स में BMW है, ऑडी महंगी है यार। कितने की पड़ेगी? 30-35। BMW 50 तक की होगी। इतना कहाँ सेव किया होगा पापा ने। क्या बात कर रहे हो? बेटा हफ्ते में 2 टाइम आइसक्रीम खाने वाला आदमी था मैं, वो सब बंद कर दिया। पिछले 1.5 साल से रोज दफ्तर जा रहा हूँ फटा हुआ जूता पहन के। तुझे पता चला? तेरी माँ का लेडी पास लेके मैं बस में सफर करता हूँ क्योंकि रिक्शा का भाड़ा डबल है। उस दिन सोसाइटी वाले घर नहीं आ गए थे कि जरूरतमंदों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? जरूरतमंदों में अपना नाम लिखवा के आया हूँ। तेरे को हमेशा मैंने फालतू खर्चा करने से इसलिए रोका ताकि पाई पाई जोड़ के 2 लाख रुपए जमा कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है जब हम इस सफर में आगे चलते हैं, कितने जमा कर पाऊँ? 2 लाख रुपए। वो भी कह रहा है 2 करोड़ लगे हैं। 7 बजे किसी और के घर पे आए हैं, उसकी नींद खराब करके गाड़ी लेने निकले। कितने की? 2 लाख। ऑटोमेटिक? हाँ, जिनके शीशों को ऐसे ऐसे करके ऊपर नहीं करना पड़ता। बटन वाली? बटन। शीघ्र पतन होता है आपको? क्या बोल रहे हैं? अरे आप क्या बोल रहे हो यार, 2 लाख रुपए की गाड़ी लेनी ऑटोमेटिक, यहाँ मैनुअल 4 लाख से शुरू होती है। पता नहीं कौन से गाड़ी के सपने सजा लिए, पागल भुतू बना लिया हमारा। ऑडी भी नहीं? ऑडी के 4 टायर आएंगे 2 लाख में, फिर फ्लिंटस्टोन्स की तरह पहिए पहन के यावड़ आवड़ ऊ करके निकल जाना। मेरे अंकल हैं वो डीलर हैं, कोई बढ़िया मॉडल दिखा के बच्चे घूमते हैं ना आप। अरे आपके 2 लाख बर्बाद भी नहीं होंगे। नाम क्या है? फमीर फुद्दी। अरे इनका नाम? वरुण हत्ती। हाँ जी हत्ती जी। हाँ जी, वो 2 लाख का बजट है मेरा। हाँ जी, कोई मॉडल बता दीजिए बढ़िया। लंबी? लंबी लंबी जी, लंबी जी। रंग व्हाइट? व्हाइट सफेद। हाँ इसका रंग सफेद। हाँ हाँ, कहाँ की? जर्मन मॉडल ना? जर्मन मॉडल। जर्मन तो नहीं है, पहाड़न चलेगी क्या? पहाड़ की कौन सी गाड़ी होती है जी? कितना देती है? अच्छा ये कुछ नया है, घंटे के हिसाब से देती है। तुम्हें किसको फोन मिला है? हाँ कह रहे बढ़िया मॉडल है, पीछे से भी ले सकते हैं। आपको कैसे पता हमारी गली में भीड़ होती है? अबे कौन है ये, फोन रख दो। फोन जी, मुझसे ज्यादा मेरी बीवी उत्सुक है। जी जी बोलो। की बोलो? फोन रख दो ना, फोन ले ले, फोन ले ले। क्या हो गया? नहीं चाहिए हमें गाड़ी। मॉडल में 2 हॉर्न थे, पैपे और पौपौ। क्या पैपे पौपौ? नहीं लेनी हमें गाड़ी। लेकिन हाथ पड़ने वाले ने तो बोला था कि घर में कोई लंबी बड़ी चीज आएगी। क्या है यार? क्या हो गया? शांत हो जाओ, शांत हो। क्या है? सांप? घर में सांप घुसा है? बड़ी और लंबी हीव। उसको बोल घर में मत आए, बाहर निकल आए, हम आ रहे हैं। उफ, हीव के आ जाने पर हम ज्यादातर घर के बाहर रहेंगे। कुछ नहीं होगा। कैरी आपको डस लिया तो? अरे तो चूस लेगी आपका पाँव। अरे खून चूसने की बातें कर रहे, क्या बोल रहे हैं? मत बोलो, तू सो जा। अरे मेरी नींद खराब करके मुझ पर ही बर्फ रहा है। हेलो अंकल, आज मैं उधर आता हूँ, मेरा मन तरफ रहा है। एंड ब्रो, एंड भाई। बस यही था हमारा रिएक्शन, हो गया भाई सारा रिएक्शन निकल गया एक ही बार में। लास्ट में बोलने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा रिएक्शन देने से पहले वीडियो देख लेनी चाहिए कि कहाँ पर कितना भाई। लोग फिर लोग कहते हैं कि तुम ओवर करते हो, ओवर हंसते हो भाई। हम हंसी हंसते हैं यार, ओवर हंस कर दिया। नहीं अभी तो कोई जोक मार, हाथी चींटी वाला जोक मत मारियो भाई। जोक चींटी चढ़ी पहाड़ पे। एक बार एक हाथी था, एक चींटी था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। बस थैंक यू वेरी मच। सोनिया।